महंगाई भत्ता संघर्ष समिति के बैनर तले दो सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल के बाद बुधवार को पैदल मार्च रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा विभिन्न संगठनों के द्वारा छुट्टी लेकर 3 दिनों तक धरना प्रदर्शन कर 70% महंगाई भत्ता व 7वें वेतन मान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर महंगाई भत्ता संघर्ष समिति के बैनर तले आवाज बुलंद की गई और बुधवार को अंतिम दिन बड़ी संख्या में संघर्षरत छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ सहित अन्य संगठनों ने प्रदेश सरकार से महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और पैदल मार्च निकालकर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जम के नारेबाजी की और अपनी जायज मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर प्रदर्शन कर रहे संगठनों के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारा महंगाई भत्ता और 7वें वेतन मान के हिसाब से गृह भाड़ा भत्ता और उसके अतिरिक्त हमारा 26 सूत्री स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का मांग है, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, जिसके कारण से हम लोग हड़ताल में उतरे हैं। 3 दिवस का निश्चितकालीन हड़ताल है, उसके बाद हम लोग ड्यूटी करेंगे, उसके बाद आगे की और जो भी प्रक्रिया है उसको पूरी की जाएगी। जी रायपुर में है या दूसरे जिला पर सभी जगह पे इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 ऑफ मिलता है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में जो सैटरडे को नाइट करके जाते हैं संडे आके ड्यूटी करते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल जब सभी जगह पे मिलते हो हमें मिलना चाहिए, हम सबको मिलना चाहिए, हम कोई अलग से कुछ नहीं मांग रहे, हम जो मांग रहे हैं जो बाकी जगह पे जो लागू है वो हमें मिलना चाहिए। लोगों को जो जहाँ रहते हैं स्टर में मिल जाता है, स्टर में सारी बहनों को ड्यूटी देते हैं, उनके हिसाब से जितने बाकी लोग हैं वो उनका ड्यूटी करते हैं, ये पहले से ही लागू रहता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।